अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल में जो है चिकन बिरयानी बनाऊंगी। व्यूअर्स, चिकन बिरयानी बनाने के लिए और इसके अज़ा बताने से पहले, सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन के गोश्त के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 7 टेबलस्पून, और अब हम जो है 3 जो है मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको स्लाइस कर लिए। अब इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। व्यूअर्स, इन सबको जो है गोल्डन ब्राउन कर लेंगे एक ही दफ़ा, और हाफ जो है हम चिकन के की ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हाफ जो है हम जब तह लगाएंगे चावल और गोश्त की तो ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। प्योर्स, देखिए प्याज जो है फ्राई हो गया है, इससे ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी इसको। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। व्यूअर्स, हाफ जो है व्यूअर्स मैं इसमें से निकाल लूँगी प्लेट में। व्यूअर्स, ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हुआ है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, हाफ जो है हम इसमें रहने देंगे, साथ में व्यूअर्स ये जो आधा किलो मैंने चिकन का गोश्त लिया है ये डाल दूंगी। साथ में व्यूअर्स 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। साथ में व्यूअर्स 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैं नमक डालूंगी। नमक एज रिक्वायर्ड है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं और कुछ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए व्यूअर्स पहले हम पकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी, और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ये डाल देंगे। साथ में व्यूअर्स तकरीबन 1 टीस्पून जो है यहाँ पे कुटा हुआ पिसा हुआ जो है गरम मसाला। अब इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। फिर थोड़ा सा मैंने जो है इसमें पानी डाला ताकि हमारा मसाला जो है वो ज़्यादा जले ना और हमारी चिकन के अंदर जो है अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाए। फिर अब मैं इसमें जो है 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालूँगी। एंड 2 टीस्पून जो है यहाँ पे मैं सूखा धनिया पाउडर डालूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैंने 2 मीडियम जो टमाटो हैं उनको जो है मैंने चॉप कर लिया है ये डाल देंगे। फिर तकरीबन यहाँ पे जो है 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि एक तो हमारा वो जो इसमें टमाटर डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और दूसरा चिकन जो है वो भी अंदर तक पक जाए व्यूअर्स, अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब व्यूअर्स हम इसे जो है दरमियानी आँच पर जो है ढक्कन दे के इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो व्यूअर्स पकने देंगे। व्यूअर्स, अब यहाँ पे जो है मैं 1/4 चम्मच जो है जायफल जावित्री का पाउडर डालूँगी, इसको हम मिक्स करेंगे।
व्यूअर्स, अब हमने जो है इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना और इसको तेज़ फ्लेम पे जो है हमने इसको पकाना है, भूनना है। व्यूअर्स अब मैं इसमें जो है तकरीबन चार जो है मैंने सब्ज मिर्चें इस तरह से दरमियान में से काट के स्लाइस कर ली हैं और ये डाल देंगे। और साथ में व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैंने दो से तीन दाने जो हैं उसके खट्टी इमली के लिए ये भी साथ डाल देंगे। व्यूअर्स बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून दही लिया, इसको मैंने फेंट लिया, ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स दही अगर फेंट के डाल जाए तो इसकी कभी भी जो है गिल्टियाँ नहीं बनती और ना ही हमें फ्लेम बंद करके इसको जो है दही को डालना पड़ता है। व्यूअर्स देखें बिल्कुल भी कोई गिल्टी नहीं बनी। अब व्यूअर्स इसी दही के पानी में जो है हमारा बाकी का जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। व्यूअर्स देखिए ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और हमारा जो कोरमा है बिरयानी के लिए वो रेडी हो चुका है। व्यूअर्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप इसकी कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसको मज़ीद इसका पानी सुखा लें आप। व्यूअर्स कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। व्यूअर्स अब हम चिकन बिरयानी के लिए राइस बॉयल करेंगे। इसमें जो है यहाँ पे व्यूअर्स मैंने पानी बॉयल कर लिया है। यहाँ पे व्यूअर्स 1 टीस्पून जो है जीरा डालूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी, 4 जो है मैं लौंग डालूँगी और 3 जो है छोटी इलायचियाँ हैं ये डाल देंगे हम। साथ में व्यूअर्स तकरीबन 2 से 3 पत्ते जो हैं पुदीने के और 1 टीस्पून जो है धनिया ये चॉप कर लिया था ये भी डाल देंगे। साथ व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन जो है मैं यहाँ पे सॉल्ट एज रिक्वायर्ड है यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टीस्पून जो है सॉल्ट डालूँगी। साथ में व्यूअर्स अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जो है वाइट विनीगर डालूंगी। अब हम इसको बॉइल कर लेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 1/2 किलो जो है कच्ची बासमती राइस लिए हैं ये भी डालेंगे। साथ में व्यूअर्स 1 टेबलस्पून इसमें मैं घी डालूंगी। घी डालने से ये जो है चावल जो है बहुत खिला खिला बनेगा। व्यूअर्स दरमियान में जो है मैं नमक भी इसका टेस्ट करूंगी कि पता चल जाए कि चावलों में कितना नमक हमें मज़ीद चाहिए। व्यूअर्स देखें राइस बॉयल हो गया है, मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया। ये देखें राइस इस तरह से होना चाहिए, ये राइस हमारा बॉयल हो गया है। बाकी का जो हमारा जो 10% रह गया है वो हमारा जब हम इसको दम पर रखेंगे तह लगा के तो हमारा तब चावल जो है मुकम्मल तौर पर कुक हो जाएगा। व्यूअर्स अब हम तह लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट का पतीला लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया। व्यूअर्स अब हम इसमें जो है सालन चला देंगे। साथ में व्यूअर्स ये जो हमने राइस बॉइल किए थे ये भी हम फैला देंगे, इसके ऊपर एक तह लगा देंगे। व्यूअर्स अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। साथ में व्यूअर्स ये जो हमने ब्राउन प्याज दी थी ये भी स्प्रिंकल कर देंगे और
दो से तीन जो है व्यूअर्स यहाँ पे स्लाइस की हुई सब्ज मिर्चें ये डालेंगे। व्यूअर्स अब हम ऊपर चावलों की तह लगा देंगे दोबारा से। उसी तरह से धनिया स्प्रिंकल कर देंगे सारा। साथ में व्यूअर्स ये जो हमने जर्दे का रंग जो है ये भी रखा हुआ था पानी में घोल के ये एक साइड पे इस तरह से डाल देंगे। और व्यूअर्स इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं और हम इसका दम खोलेंगे। दम का टाइम ख़त्म हो गया व्यूअर्स। बहुत ही मज़े की व्यूअर्स खुशबू आ रही है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी रेसिपी चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की और बहुत व्यूअर्स झटपट बनने वाली ये डिश है। व्यूअर्स आप भी घर में बनाएं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड्स में एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।